तो कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्मी फैंस के एक और रिव्यू वीडियो में। तो भाई फाइनली 13 सालों बाद हमें अवतार का दूसरा इंस्टॉलमेंट देखने को मिल गया, जी हाँ, द वे ऑफ वाटर। तो भाई यह फिल्म कैसी है, आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, और यह फिल्म 13 सालों का लंबा इंतजार जो हमें करना पड़ा उसको पूरा करती है या नहीं, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर, तो भाई फाइनली यह सिनेमाघरों में लग चुकी है। इसके डायरेक्टर है जेम्स कैमरून, और भाई उन्होंने 2009 में अवतार फर्स्ट बनाई थी, और भाई वो पिक्चर काफ़ी कमाल की आई थी, और उस पिक्चर ने इतिहास रची थी, और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। और अवतार द वे ऑफ वाटर उसके 13 सालों बाद रिलीज हो रही है। तो भाई पार्ट वन बनने के बाद किसी ने सोचा था कि इसका सेकेंड भी पार्ट आने वाला है, और उस समय इस फिल्म के डायरेक्टर भी नहीं सोचा था, लेकिन बाद में जब वक्त बीता तो उनको सोचने का समय मिला और उन्होंने सोचा है कि क्यों ना इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए, और भाई अब तो इसका थर्ड पार्ट भी बनने वाला है। तो कह सकते हैं कि भाई यह सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अवतार 2 की स्टोरी पहले से लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसको बनने में 13 साल क्यों लगे, इसके पीछे जेम्स कैमरून का कहना था इसके अगले पार्ट को बनाने के लिए, इस फिल्म को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए था वो उस समय उपलब्ध नहीं था, जिस कारण से इस फिल्म को बनाने में इतना समय लगा। वही अगर बात करें कि यह पिक्चर हमारे सामने लग चुकी है, हमें देखने को मिल चुका है, तो भाई यह पिक्चर कैसी है, तो सबसे पहले बात करेंगे इस फिल्म की स्टोरी की। तो भाई स्टोरी काफ़ी इमोशनल है। तो कह सकते कि जैक जो कि पेंडोरा ग्रह पर रह जाता है, और उसका जो अवतार वहाँ रहता है, तो उसकी अब फैमिली बन चुकी है, उसके 5 बच्चे हैं, और भाई वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, वो अपनी फैमिली का कद्र करता है, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से एक फैमिली मैन बन चुका है, वो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है। और अगर आपने पार्ट वन देखा होगा तो कर्नल का जो कैरेक्टर है वो इसमें भी जिंदा है, तो कह सकते हैं कि वो कर्नल का कैरेक्टर इनके पीछे पड़ जाता है, और कह सकते हैं कि पेंडोरा को तबाह करने के लिए अभी भी उसका इरादा मजबूत है, और वो कह सकते हैं कि जैक के पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जैक अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसा कि इस फिल्म का टाइटल दिया गया है द वे ऑफ वाटर, तो इस फिल्म में पानी के अंदर काफ़ी जबरदस्त सीन दिखाए गए हैं, और अलग अलग प्रकार के क्रिएचर को हमारे सामने दिखाने की कोशिश की गई है, और सच में काफी कमाल की है। तो कह सकते हैं कि पानी के अंदर की दुनिया को दिखाया गया है काफी अच्छी तरीके से, पानी के अंदर रहने वाले कबीले को भी दिखाया गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो भाई जिसके साथ जैक संपर्क में आता है उसके साथ बात विचार उनका होता है। तो कह सकते हैं कि स्टोरी काफी कनेक्टिंग है, इसको इमोशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, और जो कर्नल का कैरेक्टर है वो जैक के पीछे पड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से इन दोनों के बीच की स्टोरी दिखाई गई है। वही अगर बात करें इस फिल्म की सबसे पॉजिटिव पॉइंट की, तो भाई इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका विजुअल, इसका जो VFX है ये काफ़ी शानदार है, और भाई यह फिल्म इसी के नाम पर अपने आप को बेच रही थी, और कह सकते हैं कि यह सही है, और यह फिल्म हमें एक अलग ही सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देती है। तो कह सकते हैं कि जो 13 साल का लंबा इंतजार है वो इस फिल्म को देखने के बाद सफल होता है, और कहीं ना कहीं यह फिल्म काफ़ी अद्भुत निकल के आई है। आपको थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि इस फिल्म में जो भी चीज़ें दिखाई गई है वो कंप्यूटर पर बनाई गई है, भाई सारा चीज असली है, और एक अलग ही दुनिया का फील देती है। तो कह सकते हैं कि यह फिल्म सिर्फ हॉल के लिए ही बना है, अगर आप घर में इसको देखना चाहेंगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, फिल्म का एक्सपीरियंस आप बिल्कुल ही नहीं ले पाएंगे, तो आप इस फिल्म को हॉल ही में जाके देखिए। तो ओवरऑल बात करें जेम्स कैमरून की अवतार द वे ऑफ वाटर की, तो भाई यह पूरी तरीके से एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस लेने वाली पिक्चर है, और इस पिक्चर को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। चाहे बात करें इस फिल्म की इमोशन की, इस फिल्म की स्टोरी की, इस फिल्म का विजुअल की, इस फिल्म का VFX की, तो भाई ये सारे डिपार्टमेंट में यह फिल्म अपने आप को साबित करती है, और कह सकते हैं कि 13 सालों का लंबा इंतजार अब सफल हुआ, और इस फिल्म को आप बिल्कुल ही अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, तो सच में आपको बहुत मजा आएगा। वही अगर बात करें इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को 10 में से 8.9 की रेटिंग देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई भी सुझाव है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू वीडियो में, रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।